क्या हालचाल है दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेकटॉक गाय। दोस्तों मिड 2020 जस्ट अभी खत्म हुआ ही है और इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े स्मार्टफोन ब्रांड मेकर्स हैं सब अपने 5G फोन ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। और अगर 5G सर्विस की बात की जाए तो कुछ देशों में या तो 5G सर्विस अभी लॉन्च हो रखी है लेकिन उस पर काम चल रहा है, या तो कुछ कंट्रीज के अंदर अभी उसके ट्रायल चल रहे हैं। अगर बात करूं मैं इंडिया की तो इंडिया के अंदर 5G सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर 5G सर्विस आने वाले टाइम में कौन लेके आएगा, कब लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, इसका भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन जो स्मार्टफोन मेकर्स हैं वो ऑलरेडी जो 5G की रेस है उसमें कूद चुके हैं, अपने अपने डिवाइस लेके आ चुके हैं। चाहे मैं रियलमी की बात करूं, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, इन सभी ब्रांड्स के 5G डिवाइस आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। और अगर एज ए एंड यूजर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी दोस्तों ये है कि क्या 2020 में हमें 5G फोन परचेज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी कम से कम 1 से 2 साल तो 5G सर्विस बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, तो क्या अभी के टाइम में एक 5G फोन खरीदना वर्थ होगा। दोस्तों आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा अपनी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनी है, आपको वीडियो देख के मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या 2020 में आपको एक 5G फोन बाय करना चाहिए, तो दोस्तों मेरा आंसर है इसके लिए नो, क्योंकि अभी आपको अपनी हार्ड एंड मनी एक 5G डिवाइस के ऊपर खर्च नहीं करनी चाहिए। और उसके दो सॉलिड रीजन है मेरे पास। सबसे पहला रीजन है इंडिया में 5G नेटवर्क की अवेलेबिलिटी ना होना। दोस्तों इंडिया के अंदर जो 5G जो नेटवर्क है वो सिर्फ अभी एक हसीन ख्वाबों वाली दुनिया है कि 5G होगा तो भाई साहब समझ रहे हो, सनी लियोनी बाहर ना आ जाए, होगी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 5G आएगा तो पता नहीं क्या ही कर देंगे, नेटवर्क क्या ही हो जाएगा। लेकिन जो कंपनियां अभी 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर काम कर रही हैं तो उनको ये जो नेटवर्क है, ये टेक्नोलॉजी है, काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ रही है, क्योंकि जो 5G है वो एकदम न्यू टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों अगर 5G अभी 1-2 साल में आ भी जाता है तो ये स्टार्टिंग के जो इनिशियल ईयर्स हैं उसमें बिल्कुल भी मनी मेकिंग नहीं होने वाला है उन कंपनीज के लिए जो अभी इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। और दोस्तों एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर 2023 तक 5G आ भी जाता है तो सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होंगे इंडिया के अंदर जो कि 5G नेटवर्क को यूज कर पाएंगे अपने डिवाइस में, और जो 53% लोग हैं वो स्टिल 2023 तक भी जो 4G नेटवर्क ही यूज करेंगे अपने मोबाइल फोन में, अपने डिवाइसेज में। आप दोस्तों मोटा मोटा ये समझ लो कि जब आपने 2G या 3G से जब 4G में स्विच किया था तो उस टाइम पे आपको अपने डिवाइस में जो डाटा स्पीड है या फिर मोबाइल को यूज करने का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसमें आपको काफी तगड़े इंप्रूवमेंट देखने को मिले होंगे। बट जब आप 4G से 5G में स्विच करोगे तो इनिशियल ईयर्स में आपका एक्सपीरियंस उतना तगड़ा नहीं होगा जितना कि हमने 2G से 3G में जब स्विच करके 4G में आए थे, तो वैसा वाला एक्सपीरियंस आपको नहीं देखने को मिलेगा जब आप 4G से 5G में स्विच करोगे, क्योंकि उस टाइम के बिना जो नेटवर्क जो डाटा है उस पर ट्रायल्स चलेंगे आपके इनिशियल ईयर्स में भी। तो दोस्तों जब तक कि इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क नहीं आ जाता है प्रॉपर तरीके से, तब तक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक 5G डिवाइस के ऊपर अपना पैसा लगाओ या फिर उसके ऊपर अपनी हार्ड एंड मनी खर्च करो। दोस्तों इंडिया के अंदर अभी 5G डिवाइस को बाय करने का कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं बनता है। एक तो इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क नहीं है, और दूसरा कि जो फ्लैगशिप डिवाइस जो होते हैं उनका जो 5G वेरिएंट होता है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 4G डिवाइस। मतलब कि अगर आप सेम फ्लैगशिप डिवाइस के 5G और 4G वेरिएंट बाय करते हो तो उनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा कि एक 5G होगा और एक 4G होगा, बाकी जो उसके फीचर्स हैं अगर कैमरे की बात करूं, बैटरी की बात करूं, डिजाइन की बात करूं या प्रोसेसर की बात करूं तो बाकी सब आपको सेम देखने को मिलेगा, उन सब में आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों एक चीज और भी है कि अभी जो टाइम चल रहा है उसमें 5G कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है। जैसे कि अगर अभी कोई भी कंपनी अपना फोन लॉन्च करती है, नया फोन जो भी लॉन्च करती है, तो उन सब में आपको पता है कि 4G तो आपको मिलना ही है। बट अगर करंट टाइम में कोई कंपनी अपना 5G वेरिएंट लॉन्च करती है तो उसको स्पेसिफिकली वो डिफाइन करती है कि हाँ इसी सेम डिवाइस में ये मेरा 4G वेरिएंट है और ये मेरा 5G वेरिएंट है, क्योंकि 5G अभी कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको हर डिवाइस में 5G मिलेगा। तो इसलिए आपको जो 5G वेरिएंट होता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू 4G डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल अभी जब IQ ने इंडिया के अंदर अपना IQ3 डिवाइस लॉन्च किया था तो उसने उसके 4G और 5G दोनों वेरिएंट लॉन्च किए थे। तो जो 4G डिवाइस का जो प्राइस रखा गया था वो रखा गया 37,000 और जो 5G डिवाइस था उसका प्राइस था 45,000। मतलब दोनों डिवाइस में आपको 8,000 रुपए का मार्जिन देखने को साफ साफ इसमें मिलता था, और वो भी एक ऐसी प्रीमियम टेक्नोलॉजी के लिए जिसको कि आप इंडिया में यूज ही नहीं कर सकते, जो कि आपके किसी काम की नहीं है और आपके यूज में भी अभी नहीं आने वाली है। तो मतलब कि डिवाइस तो आपने प्रीमियम ले लिया विद एडवांस टेक्नोलॉजी लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये तो दोस्तों वही वाली बात होगी, गाड़ी ले ली मैंने BMW लेकिन उसको चलाने के लिए इसमें टायर ही नहीं है,
ये क्या एग्जांपल दे दिया मैंने। खैर छोड़ो दोस्तों, एग्जांपल मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि अभी आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि इंडिया के अंदर अभी करंट सिनेरियो में 5G डिवाइस लेने का कोई भी बेनिफिट हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। अगर लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो दोस्तों आपको आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस डिवाइस को 2 साल तक यूज करोगे या नहीं करोगे, जब तक इंडिया के अंदर 5G आएगा या नहीं आएगा, वो मैटर करता है। क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में एक 4G डिवाइस जो कि आपको सेम फीचर देता है, एक 5G डिवाइस में सिर्फ एक 5G की चिप एक्स्ट्रा लगी हुई है, दोनों में बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो चॉइस दोस्तों आपके है कि आपको 5G लेना है कि 4G लेना है। तो दोस्तों बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, होप कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी क्लियर हो गई होगी कि 4G लेना है कि 5G लेना है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक, कोई सजेशन अगर मुझे देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, नहीं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल की कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलो दोस्तों जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। राम राम।